इन मसलों को डिस्कस करने, चीज़ों को छोड़ दें आप खुदा के लिए। ये कमेंट आके ना किया करें कि हर इंसान अल्लाह की ज़ात को जवाब दे होता है। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ ज़रूर होगा, अगर उन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है तो उन लोगों के साथ ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मिस्त्री को आज बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है, सुबह से कह रहा है मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। भाई जाना है तो जाओ, नहीं करना तो काम बताओ, ठीक है ना? ये बहाने तो ना बनाओ ना कि गर्मी है, ये है, वो है। गर्मी तो है, ये तो मानना पड़ेगा, गर्मी है। अच्छा, कि नहीं? अच्छा, क्या क्या सामान लेना है ये बताओ, सामान कौन सा लेना है? स्टील वाले केले हैं, और शीशा भी लेना है ना। शीशा गाड़ी में आ जाएगा फिर? गाड़ी में आ, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा काम से, तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। अगर शीशा गाड़ी में आता है, इमरान भाई शीशा गाड़ी में आ जाएगा? तकरीबन 4 फुट का है। आ जाएगा, 4 फुट का है ना? 4 फुट का है तो फिर आ जाएगा, तकरीबन 4 फुट का आ जाएगा। आ जाएगा, आएगा फिर एक शीशा के पास पीछे। हाँ, पीछे बैठेगा कोई नहीं। हाँ, एक बंदा और भी तो जाना है ना हमारे साथ, फिर वो साथ बैठ जाएगा, उसके साथ जो ना रख लेंगे फिर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करने, वरना आप लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमारा हो गया फाइनल। बस एक टुकड़ा ऊपर वाला रहता था, वो भी ला के है। ये क्या है? अच्छा, तो ये फाइनल हो गया माशाल्लाह, ये देखें जी। और कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि वसीम भाई इसको यहाँ पे रखना, यहाँ से हटाना नहीं है। तो ठीक है भाई, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए कि वसीम भाई ये लोन में ही रखना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे इसे अभी तो ये यहाँ पे है, लेकिन अभी तो LCD भी नहीं लगवाई ना। जब LCD लगवाएंगे फिर देखेंगे कि किस रूम में इसे शिफ्ट करना है, लेकिन अभी ये यहीं पर खड़ा हुआ है तो वो बात का मसला है। आज ये वाले सारे पल्ले लग जाएंगे, ऊपर वाले 2 बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं। इसकी पमाइश तो मुझे ये पमाइश करके जानी है, इसके शीशे लेने हैं, इसके भी शीशे लेने हैं। इसने डराया मुझे, इसने डराया यार मुझे। कि हम लोग घर से रवाना हो चुके हैं, यहाँ शॉप से थोड़ा काम था तो वहाँ पे गए हैं। ड्राइव मैं कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भैया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो जिसकी बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो अभी बिरयानी खा रहे हैं। ये बिरयानी नहीं है, ये सारी मिर्चियाँ हैं इसमें। कैसे, मज़ा नहीं है सलीम भाई? नहीं, बिगाड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छी नहीं है। इमरान भाई और सलीम भाई, ये देखें सारी मिर्चियाँ, ये देखें, ये देखें। हाँ, चस नहीं है यार आज, पता नहीं क्या मसाला डालते हैं इतना ज़्यादा, बंदा 2 चम्मच भी नहीं खा सकता। मसाला काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तो बस। मैंने नहीं खानी, मैंने थोड़ी सी खाई है बस, काफ़ी है उतनी। मेरे मुँह को जलन हो रही है, जलन जलन। अभी पंप पर हम आए हुए हैं, ठीक है, इधर से गाड़ी में तेल डलवाया है, तो हमने कहा कि इधर रुक कर बिरयानी खा लेते हैं फिर चलेंगे आगे। तो जिस काम से आए थे वो काम हमारा हो गया, गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, अभी खाना खाने के लिए होटल पे आए हैं क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई है। जवानों को भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो जवानों को ले आया हूँ भी होटल पे अभी खाना खाने के लिए। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है जी, तो ऑर्डर दे दिया है, बस कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो ऑर्डर दिया है वो आ जाएगा। परेशान क्यों हो गए सलीम भाई? पहले नहीं आए कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। आप भी नहीं आए? हद हो गई यार, आप लोग होटल पे नहीं आए, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा रहे हैं और लड़कों ने भी खाना खा दिया। अभी लड़के पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। हाँ भाई, अभी तबीयत ठीक हुई है सलीम भाई? हाँ, बस ठीक है।
कुछ अभी सलीम भाई के पेट में हल्का हल्का दर्द हो गया, गर्मी है जो जिसकी वजह से सलीम भाई ने खाना भी कम खाया है खाना। मज़ा है हाँ भाई इमरान भाई ओके okay. चलो मुझे भी दो आप ये कोल्ड ड्रिंक पी के ना, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी। अच्छा भाई हम लोग अतः सफ़र करके आए हैं और आपकी की कॉल आई थी, कोल्ड ड्रिंक लेनी थी। हाँ भाई जवान हो, ठीक है, ठीक बैठे हो, थकते नहीं है? सलीम भाई आपकी तबीयत ठीक होगी अभी? ठीक है। अच्छा भाई काफ़ी लंबा सफ़र मारा है हम लोगों ने, अभी ये देखें बस पहुँचने वाले हैं। चलें इमरान भाई। हाँ चलो। जब मैं घर आया ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन घर आते ही तकरीबन एक घंटे के बाद मैं अभी नहाया हूँ और उसके बाद बाहर जब आया हूँ ना इतना मौसम प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। ये चेक करें जी, हाय 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 बादल छाए हुए हैं माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मौसम अच्छा हुआ है तो जानवर भी घास खा रहे हैं, वरना ये छोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये देखें इसका सांस वैसे फूला हुआ है, लेकिन अभी मौसम अच्छा हो गया कुछ देर में ठीक हो जाएगी। ये देखें वो दीवार के बाहर देख रही है भैंस हमारी। मैं तो चला गया था लेकिन मिस्त्री ने आज बहुत ही कम काम किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर इस वजह से और कुछ सामान कम पड़ रहा था, मैं लेट आया हूँ वो वेट करता रहा तो इसलिए। बाकी ये देखें वो पल्ले वगैरह काट कर गया है अंदर, जो है आंधी की वजह से ना बंद कर दिया है, आप ही आई हुई थी उसने सफाई की है तो अंदर सफाई वगैरह हुई पड़ी है तो आप ही ने बंद कर दिया कि मट्टी ना चली जाए अंदर। तो ये देखें ये सारे पल्ले जो है ना ये कटाई करके ना वो छोड़ गया है, सुबह लगाएगा। ये शीट बच गई है तो हम लोग सोच रहे हैं कपड़े प्रेस करने के लिए ना स्टैंड नहीं है तो वो स्टैंड बनवाएंगे। जितनी गर्मी हो गई थी ना ऐसा लगता था जैसे बंदा बीमार हो गया, लेकिन जब से मौसम अच्छा हुआ है ये लाख लगा ये भी बाहर ठहरी हुई है। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो ये खोल दिया है, ये खोल देते हैं, ये यहाँ पे आएंगे ना घास खाएंगे, अंदर लेके जाना पड़ेगा अभी। ये घास खा के ना इनका पेट फूला है इसलिए भाग गई है, ये घास नहीं खा रही। ये जो हमारे घर का बाहर का व्यू है ना यकीन करें देख के दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा लगा है आपको। और ये देखें जी ऊपर बादल छाए हुए हैं, बारिश इस साइड से और इस साइड से, ये मुल्तान वाली साइड है और ये है जी भावलपुर वाली साइड, यहाँ से भी बारिश आती है हमारे पास, ज़्यादातर यहाँ से आती है मुल्तान वाली साइड से। बकरियाँ यहाँ पर अभी चल रही हैं, भेड़ें चली गई हैं। ये जो खजूर है ना ये हम लोगों ने लगाई नहीं थी, ये अपने आप ही हो गई थी, तो इस पे ना अभी खजूर लगी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब सोच रहे हैं कि इसको तोड़ के ना इसको पाल देंगे, इसको बंद करेंगे पेटी के अंदर और फिर ये पक जाएगी ना जब फिर निकालेंगे। ये देखेंगे ये देखेंगे ये है अभी कच्ची, पक्की नहीं है कच्ची है। अच्छा तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इस बात का जवाब दो, ये बात नहीं बताई, वो बात नहीं बताई, वो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई बात भी नहीं बताने वाला, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब इस टॉपिक पे बात करने की। देखिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है, अब इन मसलों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मेरा दिल ही नहीं करता। तो आप लोग ना मेरा व्लॉग देखा करें, इन चीज़ों को छोड़ दें, अब खुदा के लिए ये कमेंट आके ना किया करें कि इस बात का जवाब दें उस बात का जवाब दें, जो होना था हो गया, अल्लाह की ज़ात है ना वो सब कुछ जानती है। और बाकी देखें हर इंसान अल्लाह की ज़ात को जवाब दे होता है, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ ज़रूर होगा, अगर उन लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है तो उन लोगों के साथ ज़रूर होगा, अल्लाह की ज़ात सब जानती है। और बाकी देखें रिज़्क देने वाले भी अल्लाह की ज़ात है। तो डेली व्लॉगिंग वाली रूटीन बना रहा हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि कभी मेरा व्लॉग मिस ना हो। आपको पता है ना कि जब व्लॉग अगर एक दो दिन पहले बना के बंदा रख दे ना तो फिर बंदा प्रॉपर व्लॉग डालता रहता है, एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन बंदा पहले व्लॉग बना लेता है, दो दिन का पहले व्लॉग बनाओ तो फिर मसला नहीं होता, कोई व्लॉग मिस नहीं होता। शुरू शुरू में जो पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैं ऐसा ही करता था कि एक दिन या एक दिन से ज़्यादा का व्लॉग मैं बना लेता था, दो व्लॉग या एक व्लॉग बना के रख लेता था। लेकिन अभी गर्मी की वजह से और ये सारे जो मसले हुए हैं, एक तो इंसान को टेंशन होती है ना, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अब इंशाल्लाह
कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली व्लॉग दूं। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आता रहे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो वो तो एक वीडियो आएगी वो देख लेंगे आप, लेकिन नोटिफिकेशन अगर नहीं ऑन करेंगे फिर दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आज की डेट में ये काम हुआ है जी, ये देखें, ये बाहर से बॉर्डर लगाया है, ये वाला, ये सारा लगाया है, तो ज़्यादा काम नहीं हुआ आज। ये देखें एलकेपी इधर छोड़ के गया है, ख़त्म हो गई है। तो ये स्लाइडिंग वाला डोर लगा हुआ है ना, इसके ये स्लाइडिंग वाले पल्ले हैं ना, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या, इसकी अभी सेटिंग नहीं हुई है, फंस फंस के जा रही थी, तो इसकी सेटिंग भी करेगा, तो जब ये तैयार होगी ना इंशाल्लाह तो फिर बहुत ही प्यारी लगेगी। अभी इसकी भी सेटिंग चेंज करनी है, पहले सोचा था कि शीशा ये पूरा लगवाएंगे, अब यहाँ तक आएगा शीशा, बाकी ये नीचे कोई और डिज़ाइनिंग करेंगे, इसकी गुलाई करेंगे या जो भी करेंगे।